दोस्तों बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बाबा भोलेनाथ का ओंकार का धाम है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं यहाँ पे आके। चलिए यहाँ का व्यू देखते हैं। हर हर महादेव। आप यहाँ पे जल चढ़ाएंगे और बाबा भोलेनाथ के पास जल जाएगा इसका। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत सा सीन है। अब वो रहा मंदिर ओमकारेश्वर भगवान जी का। दोस्तों जय श्री राम, हर हर नर्मदे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ ओमकारेश्वर और जहाँ पे माँ नर्मदा जी की नदी है और बहुत ही भव्य बहुत ही सुंदर सी नदी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग अभी पानी के जस्ट अंदर ही है। आप चारों का सीन देख सकते हैं और इसका कंप्लीट वीडियो आप मेरे चैनल पर देखेंगे या आगे देखेंगे। तो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड बी कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। बहुत ही कंजेस्टेड जगह है दोस्तों यहाँ पे। घंटी ने धक्का मारती दोस्तों। कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। इस तरह बहुत ही सुंदर सी नदी है दोस्तों। दीदी इधर आओ, इधर आओ, उसकी पकड़ इधर। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत सा सीन है। अब वो रहा मंदिर ओमकारेश्वर भगवान जी का और अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं वहीं पे। दोस्तों ये आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। अरे अरे वहीं आ रहे ओमकारेश्वर जी का मंदिर। अब इस साइड है, लेफ्ट साइड में, बट अभी हम नहीं जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जस्ट आवाज जाने वाले। शाम हो गई दोस्तों, तो अभी हम नहाने जाएंगे दोस्तों। पानी छिड़क ले गए होंगे। आपको दिखाते दोस्तों कैसे नहाया जाता है माँ नर्मदा जी में। शायद आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा दोस्तों। दिख रहा है कहाँ से कुछ और चलिए दोस्तों, यहाँ पे नाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा गहरा ज़्यादा हो सकती है एंड बहुत सारी ऐसी अदर चीज़ें हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह में जहाँ पे नहाने में सच में दबा के मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं भी नहाऊँगा, पसीना पसीना हो गया हूँ दोस्तों। कुछ समझ वमझ आ नहीं रहा है दोस्तों, दिमाग विमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए सोडा पी लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं भी जा ही रहा हूँ दोस्तों नहाने। अभी आप देखोगे मुझे नहाते हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो नीचे चलते हैं दोस्तों। पानी आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है पानी के साथ साथ। फाइनली गाइस, अभी हम लोग जाने वाले हैं पानी के अंदर में। बिल्कुल गजब सा मजा आने वाला है। समीर आजा भाई, आजा। पहले प्रणाम तो कर ले दादा। बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों। अभी हम चलते सीधे पानी के अंदर दोस्तों। मजा आने वाला है। समीर समीर कैसा लग रहा है आपको? ये वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, इतना खुशी हो रहा है इसको। बोलो देख, मैं डुबाने में आगे मत जाना, आगे मत जाना। लड़का मैं हूँ दादा जी। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना पानी आ चुका है, गर्दन तक पानी आ चुका है। आनंद मैं तू काट।
श्री शिवाय श्री शिवाय। दादाजी देखो दीदी हाय दीदी दोस्तों जय श्री राम हर हर नर्मदे कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ ओमकारेश्वर और जहाँ पे माँ नर्मदा जी की नदी है और बहुत ही भव्य बहुत ही सुंदर सी नदी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग अभी पानी के जस्ट अंदर ही है। आप चारों का सीन देख सकते हैं और इसका कंप्लीट वीडियो आप मेरे चैनल पे देखेंगे या आगे देखेंगे, तो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड बी कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम हर हर नर्मदे। बहुत ही भव्य दोस्तों और बहुत ही सुंदर सा सीन है ओमकारेश्वर का। और हम बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं जो हमें आप तो मुझे देख ही चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा सीन है। मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे आने के अप्रोक्स 5 से 6 रास्ते हैं और अभी हम यहाँ नर्मदा जी में डुबकी लगाए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें एंड बहुत खुश हूँ मैं आज। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर महादेव। जय भोले नाथ। थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था बिकॉज क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मंदिर के साइड में है। ये आप देख सकते हो ओमकारेश्वर मंदिर इस साइड में जाना है हमें। तो ये कुछ मार्केट है, यहाँ से होते हम सीधे आगे की ओर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही ऑसम सी फीलिंग आती है यहाँ पे हम चलते हैं तो अंदर में। हवा पानी चल रही है, माहौल बन रहा है यहाँ पर पानी का दोस्तों। बात खत्म। हर हर महादेव। चलो भैया कोई वीआईपी वाला है क्या? लाइन बहुत लंबी हो। आपके स्प्राइट प्रसादी ठंडा पानी गर्म पानी दोनों की व्यवस्था है और ये जस्ट मंदिर परिसर के अंदर में ही है। तो किसी भी भक्तों को ठंडा गर्म पानी लगे कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं हम ऊपर। देखिए हमारे बाबा ओमकारेश्वर नाथ महाराज डायरेक्ट एल जी टीवी पर आप देख सकते हैं। बाकी मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके दिखाता हूँ आपको कितना भव्य है मंदिर और कितना सुंदर है ओमकारेश्वर धाम। हर हर महादेव।
गया। बहुत ज़्यादा पुराना है ये मंदिर, मुझे नहीं पता कितना पुराना है, बट स्टिल वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बाबा भोलेनाथ का ओंकार का धाम है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं यहाँ पे आके। चलिए यहाँ का व्यू देखते हैं। हर हर महादेव। आप यहाँ पे जल चढ़ाएंगे और बाबा भोलेनाथ के पास जल जाएगा इसका। बहुत ही मस्त व्यवस्था है क्योंकि उतने सारे लोगों को तो जल चढ़ाने दे नहीं सकते। बहुत ही खूबसूरत। बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे आने मिला है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आई को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। इधर क्या हो रहा है दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए हम कितना ऊपर हैं यहाँ से, ग्राउंड फ्लोर से अभी बहुत ही। वहाँ जाके सीधे मैं माथा टेक के वहाँ बैठ गया, वो ऊपर वाले को भगाया फिर मेरे को उठाया। कैसा लगा आपको ओंकारेश्वर धाम कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब। समझ रहे हैं आप, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम।